Yes, welcome back to the channel, everyone. Here it's Pratik, you're watching my YouTube channel. I'm very much excited to make today's vlog because we are going to Bhandardara today, my area's friends. हम लोग करीब 6 से 7 जन हैं और 3-4 बाइक हैं. हम लोग बाइक लेके सीधा जा रहे हैं भंडारदारा. तो मैं आज भंडारदारा इज अ लेक साइड कैंपिंग है वहाँ पर, तो मैं आज वो पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ, वो वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ. तो अभी करीब 10:45 बज चुके हैं और हम लोग निकलने वाले दोपहर के 1 बजे, क्योंकि हम लोग को पहुँचना है वहाँ पर 4 से 5 बजे तक. टेंट्स वगैरह उस उधर सबका हम लोग ने मैनेजमेंट किया हुआ है, तो अभी जाके हम लोग देखने वाले हैं. तो सब कुछ सेट है, बस हमें 1 बजे निकलना है. यस गाइस, तो अभी हम लोग पेट्रोल भर रहे हैं. सब मेरे दोस्त पेट्रोल पंप के अंदर जा चुके हैं, मैं भी अभी जाने वाला हूँ पेट्रोल भरने वाला हूँ. तो हम लोग सीधा यहाँ से निकल रहे हैं. अभी ऑलरेडी सेट हम लोग जा रहे हैं, सेट हो चुके हैं हम लोग जाने के लिए. तो गाइस, हम लोग यहाँ से अभी सीधा निकल रहे हैं भंडारदारा जाने के लिए. हम लोग अभी कसारा में रुके बिकॉज डोमिनार पे जो वसंत एंड संकेत थे वो लोग अभी पीछे थोड़े रह गए. तो हम लोग फटाफट आगे चले आए. तो कसारा में अभी 5-10 मिनट रुकेंगे, उनकी राह देखेंगे. हम लोग अभी कसारा में नाश्ता कर रहे हैं. जो संकेत एंड वसंत जो पीछे थे वो अभी हम लोग के साथ आ चुके हैं. ये वसंत है एंड वसंत एंड संकेत. तो अभी ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर हम लोग ने कवर किया है, तो भंडारदारा के लिए थोड़ा सा बाकी है. तो हम लोग अभी यहाँ से निकलने वाले हैं. बज चुके हैं और हम लोग अभी टेंट में हैं, मतलब 3 टेंट डाले हुए हैं. तो मैं, संकेत, तुषार एंड शुभम, हम लोग अभी मस्ती करने वाले हैं, कैंप फायर होने वाला है, बारबेक्यू चिकन खाने वाले. ये नन्हे आए देखो, देवेंद्र. तो हम लोग अभी 7-8 जन है, चिकन खाने वाले, खाना खाने वाले, उसके बाद में सोने वाले. सुबह आपको व्यू दिखाएंगे कि भंडारदारा कैसे और कैसे नहीं है. यस गाइस, तो इट्स अबाउट 10:40 इन द नाइट एंड हम लोग अभी खाना खा रहे हैं. तो सब लोग टेंट से ऊपर है, होटल है, क्या होटल नाम, होटल अमृतेश्वर. तो हम लोग वहाँ पर आए, अभी खाना खा रहे हैं. तो खाना खाने के बाद हम लोग सीधा सोने वाले. तो सुबह उठ के मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे सनराइज होता है, कैसे भंडारदारा में सब कुछ एक्सप्लोर करने वाला हूँ. तो स्टे ट्यून्ड अप टू द लास्ट. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज. इट्स अबाउट 7:45 इन द मॉर्निंग और हम लोग अभी अभी उठे. पीछे देख रहे हो तो हम लोग के टेंट्स एंड बाइक्स लगे हुए. तो ये जो पीछे है वो है लेक, पीछे के साइड में. एंड हम लोग अभी थोड़ा बात वगैरह करेंगे, हम लोगों से प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर. तो बात वगैरह करने के बाद हम लोग थोड़ा घूमने वाले, एक्सप्लोर करने वाले. मैं आपको वीडियो सिखाने वाला हूँ कि भंडारदारा कैसे है. उसके बाद में हम लोग जाएंगे मतंगेश्वर टेम्पल में. सुबह सुबह बाहर निकले हम लोग क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है बाहर आके, और लेकिन थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन बहुत मस्त लग रहा है क्योंकि बाहर जो व्यू जो देख रहे हैं आप लोग पीछे मेरे, लेक साइड व्यू बहुत ही अच्छा है. हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर फोटोशूट करेंगे जाके, एंड फोटोशूट होने के बाद आप लोग निकलने वाले हैं. गूगल
गूगल मैप पे सीधा भंडारदारा डाल देना, एंड जहाँ पर मतलब जिस कॉन्टेक्ट से हम लोग यहाँ पर रुके वो कॉन्टेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको चाहिए तो आप लोग रेफरेंस ले सकते हो. हम लोग को 900 में हम लोग ने सब कुछ प्रोवाइड किया, टेंट, वॉशरूम, बाथरूम, ऊपर से खाना, दूसरे दिन का नाश्ता, ये सब कुछ इसने प्रोवाइड किया. कैंप फायर प्रोवाइड किया, वो बारबेक्यू चिकन प्रोवाइड किया, ये सब मैंने आपको वीडियोस में दिखाया. एंड भंडारदारा इज जस्ट ऑसम टू कम. लेक साइड व्यू तो बहुत ही अच्छा है, फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा है. एंड बाकी अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे संदन वैली है, टेम्पल्स वगैरह है, तो वो सब देखने के लिए हम लोग जाने वाले. संदन वैली में तो नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा दूर है, तो हम लोग सीधा जाने वाले हैं वो टेम्पल में, और टेम्पल देखने के बाद सीधा हम लोग जाने वाले हैं आज घर पे. सो गाइज, हम लोग अभी फ्रेश वगैरह होके हो चुका है, एंड शुभ नी हम लोग थोड़े नीचे आए लेक साइड में, क्योंकि देखना है कैसा है लेक. बाकी सब लोग सोए हुए हैं क्योंकि रात भर जागे हम लोग ने, रात भर मज़े किए, बहुत देर से सोए तो अभी तक वो लोग उठे नहीं है. तो हम लोग अभी उठ के नहा भी धो के यहाँ पर आ चुके हैं, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे साइड में लेक है. बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा साइड है भंडारदारा ये कैंपिंग, इट्स वेरी ऑसम टू कम यार. सो गाइज, अगर आपको आना है तो मैंने सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में दी हुई है, ऐसे आना उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी, जहाँ पर हम लोग रुके, जिन्होंने हमें टेंट प्रोवाइड किया उनका नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन कम यार. तो अभी हम लोग है शेंडी गांव में, मतलब शेंडी गांव के आगे हम लोग को ये, जब आप लोग भंडारदारा एंटर करोगे तो आपको बाइक या फिर कार का चार्जेस भरना पड़ेगा आने के लिए. तो हम लोग ने अराउंड 20 rupees पर बाइक के भरे हैं. अभी ऊपर आए तो ये सब किया हम लोग ने, सब एंजॉय किया, बारबेक्यू चिकन, खाना वगैरह एंजॉय किया, डांस वगैरह किया, सब मस्त में एंजॉय किया. नाइट था यहाँ पर, कैंप फायर के अलावा कोई लाइट प्रोवाइड नहीं की जाती टेंट साइड में, बाकी सब ऊपर होटल के साइड में सब आपको लाइट्स वगैरह मिलेंगे. तो अभी उसके बाद में हम लोग जाने वाले सीधा कौन सा टेंपल है, अमृतेश्वर टेंपल, इट इज़ अबाउट 10 to 15 kilometers फ्रॉम हियर. हम लोग सुबह सुबह वहाँ पर जाने वाले, फर्स्ट स्पॉट हम लोग वो स्पॉट देखेंगे और वहाँ से हम लोग घर पे निकलने वाले. तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी भंडारदारा, मतलब लेक साइड कैंपिंग के लिए ये सब था मैंने आपको दिखाया वीडियो में. यस गाइस, अभी हम लोग ने नाश्ता वगैरह किया और हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं लेक साइड के साइड में थोड़ा, क्योंकि हम लोग अभी बोटिंग करने वाले हैं. तो बोटिंग करने के बाद हम लोग, मैंने आपको सब कुछ वीडियो में दिखाया कैसे है भंडारदारा. सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट व्लॉग, हम लोग बोटिंग वगैरह करेंगे ग्रुप में, एंड फिर वहाँ से निकलेंगे, फिर एक हाईवे के हाईवे पर रुकेंगे ढाबा वगैरह पर और खाना खा के निकल जाएंगे. यस गाइस, हम लोग अभी आ गए बोटिंग करने के लिए, आप लोग देख सकते हो पीछे मेरे पीछे लेक साइड है, एंड हम लोग सभी आप लोग अभी नीचे पहुंच चुके हैं, अभी बोटिंग करेंगे और यहाँ से निकलेंगे.
गाइस अभी बोटिंग करके हम लोग निकल चुके हैं एंड अभी घर पे जाने का प्लान है. हाईवे पे रुकेंगे खाना खाने के लिए. तो भंडारदरा की इन्फॉर्मेशन मैं आपको हाईवे पे रुकने के बाद दूंगा. तो अभी फिलहाल हम लोग हाईवे पे रुके थोड़े देर टाइम पास करेंगे, फोटोज वगैरह निकालेंगे, उसके बाद में हम लोग निकलने वाले सीधा घर पे जाने के लिए. हाईवे पे एक ढाबे पे रुक के हम लोग खाना खाने वाले, उसके बाद में सीधा घर. ज़्यादा वीडियो में मैंने बताया नहीं लेकिन हम लोग ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया. और अगर आपको आना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस बंदे का नंबर दिया है, यू कैन टेक दैट नंबर एंड कॉल हिम एंड आप लोग यहाँ पर आ सकते हो. यस गाइस, तो अभी हम लोग एक हाईवे पे रुके हैं, खाना खाने के बाद हम लोग सीधा जाने वाले घर पे, क्योंकि आज का ट्रिप हम लोग का भंडारदरा का ख़त्म हो चुका है एंड ट्रिप इज़ ओवर एंड हम लोग अभी सीधा जा रहे घर पे.